राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। उन्होंने पुष्कर पहुंचते ही निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री जी श्याम चरण सिंह देवाचार्य के सानिध्य में पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद तीर्थ पुरोहित गौरव पाराशर ने संघ प्रमुख भागवत से दक्षिणा के बदले तेज से आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग की, जिसे भागवत ने मुस्कुराते हुए पूजा अर्चना का धार्मिक कार्यक्रम बताते हुए टाल दिया। बाद में वे बिना ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए ही कस्बे के माहेश्वरी धर्मशाला में होने वाली राष्ट्रीय समन्वय बैठक के लिए निकल गए। मोहन भागवत से क्या मांग की, क्या बात की उन्होंने? जी सर, हमने मोहन भागवत जी की पुष्कर यात्रा में पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कराई और दक्षिणा के बदले में हमने उनसे यही निवेदन किया कि भारतवर्ष में जल्द से जल्द आरक्षण खत्म हो ताकि समानता का अधिकार सबको प्राप्त हो सके और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको नौकरी मिल सके। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।